तो तस्वीरें आपको शिमला चौड़ा मैदान से दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से देखिए यहाँ पर जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण हो गया है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कैसे जो है वो जो बेरोजगार शिक्षक हैं वो अब चौड़ा मैदान से, क्योंकि काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पीईटी की जो भर्तियां हैं वो नहीं निकल रही है, और जो निकली भी थी वो अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। देखिए महिलाएं भी इसमें हैं। ये देखिए काफी तनावपूर्ण माहौल है और शारीरिक जो शिक्षक है उनकी भर्तियां काफी लंबे समय से नहीं हुई है। तो विधानसभा से लगभग 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर अभी हम हैं और ये देखिए आप काफी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है और कूच करने की तैयारी में है शारीरिक शिक्षक, जो बेरोजगार शारीरिक शिक्षक है। और इनका ये आरोप है कि हमारी उम्र भी अब 50 से 55 साल होने वाली है। हमारी उम्र 50 से 55 साल होने को है लेकिन अभी तक जो है वो हम जो है वो नहीं लग पाए, जबकि हम जितनी भी भर्तियां उसके एलिजिबल है। तो ये चौड़ा मैदान से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और यहाँ पर काफी माहौल तनावपूर्ण है। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इनकी मांग है कि जो काफी लंबे समय से जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी भर्तियां सरकार जानबूझकर जो है वो नहीं करवा रही है। ऐसे में जो प्रदेश का युवा है जो अपना भविष्य देखना चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी वो बने, लेकिन जब शारीरिक शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे जो है वो बड़े खिलाड़ी प्रदेश और देश में उत्पन्न होंगे, ये इनका आरोप है। तो जो बेरोजगार शारीरिक शिक्षक यहाँ पर काफी लंबे समय से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज जो थोड़ा सा उग्र नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार नहीं जाग रही है, इनका आरोप है।
तस्वीरें आपको शिमला चौड़ा मैदान से दिखा रहे हैं और परिवार समेत जो है वो आज शारीरिक शिक्षक यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारी पिछले सरकार ने 870 वैकेंसी हमारी अप्रूवल की है विधानसभा में भी और वित्त विभाग में। वर्तमान गवर्नमेंट तो हमारी कोई भी मांग नहीं सुन रही। हम बार बार यहाँ पर धरना कर रहे हैं शांतिपूर्ण, लेकिन हमारी बेरोजगार जो है 50 के मुर्गी करीब मिल गए हैं, मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा जो है कोर्ट में कोई मसला नहीं, मसला है सिर्फ सीपीएट वर्सी गवर्नमेंट को। हम मांग करते हैं कि हमारे जो 870 वैकेंसी है उसे जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो भर्तियां होनी चाहिए। जो 870 पोस्टें निकली थी उन भर्तियों को जल्द से जल्द जो है वो जिस प्रकार से कोर्ट के तरीके चक्कर वो काट रहे। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांति में प्रोटेस्ट कर रहे थे इससे पहले, अब क्या नौबत आ गई ऐसा करना पड़ा? नौबत ये आ गई कि पिछले सरकार के कार्यकाल में, जयराम जी के कार्यकाल में हमारे की 870 पोस्टर जो है वो अप्रूव हुई थी, मतलब फाइनेंशियली अप्रूव थी। उसमें ना तो कोई पैसे का और लेना देना था, ना कोई उसमें दिक्कत थी उनको भरने में, ठीक है। बल्कि जैसे सरकार आई तो इन्होंने शुरू भी करनी था, कुल्लू जिले में एक दिन से कंपनी हुई, लेकिन नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट कोर्स होता है ना, ये कोई डिग्री है सर, ना ये कोई डिप्लोमा है। ये शुरू के समय में क्या है कि 2011 में जब हमारे आर एस एस बना है उससे पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता था आफ्टर मैट्रिक 10वीं के बाद, और जनता ने शुरू कर दी है क्या मांगे? अब सीधी मांग बताओ, ठीक
जिंदाबाद।